हिमाचल में फिर से दोबारा से वही लहर, वही कहर और जला जली जो है वो आ गई है सुनामियाँ। और जैसे केदारनाथ में हुआ था वैसे ही सेम वैसा है, और सब कुछ हो रहा है और बहुत सारे मकान जो है वो गिर चुके हैं। और इतना सारा पानी जो है वो कहाँ से आया होगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे हिमाचल में भी ऐसा हो सकता है। तो ये कहर जो है वो हमारे हिमाचल के लिए ही है। ये सब कुछ हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? और पहले जो है वो कोरोना की महामारी से इतना दुख हुआ है और इतना नुकसान हुआ है लोगों का, और फिर अब जो बची कसर है वो भगवान जो है वो बारिश के रूप में इतना पानी इकट्ठा, घरों के सब लोगों के घर जो है तबाह हो चुके हैं। तो देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि इतना कहर जो है वो कैसे बरस रहा है, और इतना पानी जला जली, देखिए बहुत नुकसान लोगों का हो रहा है। तो ये पता नहीं अब किसके कर्म है, हमारे ही कर्म है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो पशुओं को सड़कों पे छोड़ रहे हैं और कुछ लोगों ने बंदरों को भी मारा। तो ये हमारी ही करनी होती है, पर फिर भी बहुत डर भी लगता है और बहुत दुख भी होता है जब ऐसा नुकसान किसी का होता है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे जैसा इन लोगों के साथ भी हो रहा है। यहाँ के बसे हुए लोगों के साथ पूरे पूरे मकान जो है वो तबाह हो चुके हैं इस जला जली में। बस तो उस मकान नंबर लगने वाला पाई थी चोर थल नहीं सीधा हो गया मकान पूरा ही चले टच हो गए तारा पे ही है कि निकल जाना ये बिल्डिंग तो गई है नहीं बचती मुश्किल है जाना पूरी हो गया था पकड़ने वाला करके जो बड़ा भारी बद याद है और बद याद है और बद थला पटेड़ा उपर पटेड़ा फुल तो रुड़े आ बड़ी देर रुड़े रुड़े आ हो गया हाल ये बिल्डिंग भी थल चातड़ में क्या हाल होगा तो ये बोलते हैं ना परला टाइम आई हो गया खत्म है बस हूँ कोल बैठा है तो चातड़े निकल जाने सारे दिया है
जाना है तो ना कोई पता नहीं जैसी हल लगी रहा था हो तो गई बिल्डिंग अंब भी गया अंब भी गया तो ही है काम गया गया बस अंब गया तो फिर ये दुकाना कि दुकाना उपर लगा दुकाना पता नहीं बुढ़े का भी